रेजिडेंट्स, इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कोई सेंटेंस अगर दिया हुआ है तो कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है या फिर अदर है, तो उसको पहचानने का भी तरीका समझ लेते हैं, उसके पहचानने का नियम जान लेंगे, पहचानने के नियम के साथ साथ बनाने का नियम भी देख लेते हैं। तो ये पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पर लिखते हैं कि पहचानने का नियम, ठीक है, क्या लिखेंगे, जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका था चुकी थी चुके थे अथवा आ था ई थी ए थे लगा रहे, अगर ऐसा रहेगा तो समझ लेंगे कौन सा नियम है, सेंटेंस से ही टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का वो सेंटेंस है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में वह पटना जा चुका था, वह पटना जा चुका था, हम लोग आम खा चुके थे, राधा स्कूल पहुंच गई थी, वे लोग मैच जीत लिए थे। देखो क्या रहता है, चुका था चुकी थी भी रह सकता है, आ था ई थी ए थे भी रह सकता है ना। अगर ऐसा है तो समझ लेंगे ये सेंटेंस किसका है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है, बीता हुआ बात है, चुका था चुकी थी लगे हुआ है, इसका मतलब क्या, ये बात बीता हुआ बात हो रहा है, कंप्लीटली बीत चुका है, कहीं कोई है ना बाकी नहीं है, कुछ भी पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, उस बात को जानते हैं, बनाते हैं कैसे इसको, उसके लिए स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, है ना। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत आसान स्ट्रक्चर है, सिर्फ हैड का यूज करते हैं और V3 का यूज करते हैं। देखते वह पटना जा चुका था, वह के लिए क्या करते हैं यहाँ पे भाई ही, क्योंकि जा चुका था कोई पर्सन है, क्या करें जेंट्स पर्सन है बॉयज होगा, ही के साथ हैड का यूज करेंगे, ही हैड, भर क्या जाना जा चुका था जाना, ही हैड, गो का गोन होता है कहाँ भाई पटना, ही हैड गोन टू पटना, आसान हो गया। नेक्स्ट है हम लोग आम खा चुके थे, तो हम लोग का क्या होगा, वी वी के साथ हैड का यूज करें, वी हैड, काम क्या हो रहा है खाना का, खा चुका था इट का ईटेन, वी हैड ईटेन, क्या खा चुके थे मैंगो, अ मैंगो, वी हैड ईटेन अ मैंगो, राधा स्कूल पहुंच गई थी, राधा हैड रीच्ड कहा भाई स्कूल, स्कूल राधा है रिच टू स्कूल, वे लोग मैच जीत लिए थे, वे लोग क्या होगा दे हैड, वे लोग का दे के साथ हैड, जीतना विन, विन मतलब जीतना, तो विन का V3 विन वन वन है ना, वी दे हैड वन, क्या भाई क्या जीत लिए थे मैच, द मैच है ना, वी हैड won the, they had won the match, है ना, ये लोग मैच जीत लिए थे, बताओ आसान लगा, कहीं कोई झंझट नहीं है इसमें। इसका नेगेटिव अगर देखें, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, नेगेटिव संदेश देख लेते हैं, नेगेटिव संदेश में क्या होगा, वह पटना नहीं जा चुका था, लो कर दिए नेगेटिव, अब हम लोग यहाँ पे हेड लेते हैं नेगेटिव संदेश, नेगेटिव संदेश में वह पटना नहीं जा चुका था, क्या नहीं जा चुका था, हम लोग आम नहीं खा चुके थे, है ना, राधा स्कूल नहीं पहुंच गई थी या नहीं पहुंच चुकी थी, है ना, वे लोग मैच नहीं जीत लिए थे, मैच नहीं जीत लिए थे, या ऐसे भी लिख सकते वे लोग मैच नहीं जीते थे, है ना,
नहीं वे लोग मैच नहीं सांप सीढ़ी कूदते भाई, मैच नहीं जीते थे। ये परसेंटेज तो अच्छा लगता सुनने में, ये भी अटपटा लग रहा है। राधा स्कूल नहीं पहुंच गई थी, या ऐसा भी होगा राधा स्कूल नहीं पहुंची थी। यहाँ भी ई की मात्रा आ गया ना, राधा स्कूल नहीं पहुंची थी, नहीं पहुंच चुकी थी, दोनों दे सकते हैं। हम लोग क्या किए यहाँ पे, निगेटिव कर दिए। निगेटिव के संदेश में क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड, यही पे हम लोग क्या करेंगे प्लस नॉट का यूज कर दें, हैड के बाद नॉट का यूज कर देंगे। ही हैड नॉट गॉन टू पटना, वी हैड नॉट इंडियन मैंगो, राधा हैड नॉट रीच टू स्कूल, दे हैड नॉट वोन द मैच। आसान हो गया, निगेटिव बन गया पूरा। वे लोग नहीं खा रहे, नहीं जा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, नहीं पहुंची है ना, ये रहे हैं, नहीं पहुंच चुकी है, थी खाते थी, हो गया निगेटिव लगा, सिर्फ नॉट का यूज कर दिया उस बीच में। अब बात आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, क्या सेंटेंस करेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे भाई, बस यहां पे क्या का यूज कर दे, लेकिन ये नॉट हटा देते, नहीं हटा देते सीधा, क्या कर दे नहीं हटा दो। देखो कैसे इंट्रोगेटिव बन गया, वे लोग मैच जीते थे, यहां पे क्या होगा, क्या वो पटना जा चुका था, क्या हम लोग आम खा चुके थे, क्या राधा स्कूल पहुंची थी, है ना, क्या वे लोग मैच जीते थे, हो गया ना। इस सब तरह का सेंटेंस देखते हैं क्या क्या यूज हो गया। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क, यहां पे क्वेश्चन मार्क देखो, आज की डेट में या बहुत दिनों से ऐसे पता चलता है क्या कि स्टूडेंट्स अक्सर टेंस पढ़ते जा रहे हैं, हर क्लासे में टेंस पढ़ते, लेकिन कभी समझ में नहीं आता है। बारीकी से देखोगे कभी भूलोगे नहीं, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन कर रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए, है ना, सब बताते हैं। अब क्या होगा, पहले भी बताए थे हमने कि जितना इंट्रोगेटिव संदेश में ये हेड वाला ही सिर्फ यहाँ पे हेड हो जाएगा, तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट यहाँ कर देते हैं, हेड को बाहर कर देते हैं, बस बाकी कुछ नहीं है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बस हेड को पहले क्या था, सब्जेक्ट के बाद हेड था, अब हम सब्जेक्ट के पहले हेड कर दिए। आसान सा काम है, कुछ नहीं करना, ये नॉट हेड को बीच से निकाल देते हैं, है ना। आप लोग आराम से देखो कैसे बन जाता है पूरा सेंटेंस, जादू का खेल नहीं है ये, समझ का खेल है, दिमाग का खेल है। तो ही हैड के बदले क्या आ गया यहाँ पे, हैड ही गॉन टू पटना, हैड वी एटेन अ मैंगो, हैड राधा रीच टू स्कूल, हैड दे वोन द मैच, लेकिन सब में क्वेश्चन मार्क का यूज करो, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग करते हैं क्या, इसी में इंट्रोगेटिव निगेटिव कर देते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखो, क्या वह पटना नहीं जा चुका था, लो फिर से नहीं जोड़ दिए, क्या हम लोग आम नहीं खा चुके थे, क्या राधा स्कूल नहीं पहुंची थी, क्या वे लोग मैच नहीं जीते थे, है ना, लो इंट्रोगेटिव में अब निगेटिव ऐड कर दिए, उसका नाम पड़ गया इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या नाम पड़ गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो करना क्या था भाई, इंट्रोगेटिव तो बना हुआ है, यही पे अगर हम लोग नॉट का यूज कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, इजी वे बन जाएगा। देखो क्या किया, बस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या अगर हैड ही नॉट गॉन टू पटना, हैड वी नॉट ईटन अ मैंगो, हैड राधा नॉट रीच टू स्कूल, हैड दे नॉट वन द मैच, वाह वेरी गुड, कितना आसान से बन गया चारों सेंटेंस, एक सेंटेंस का चार बनाया दिया आपने, बस इंट्रोगेटिव में नेगेटिव जोड़ दिए। स्टूडेंट्स एक बात और याद रखें, या तो नॉट का आप यहां लिख सकते हो, या फिर यहां ना लिखना हो तो हेड हंट कर दो आप, हेड हंट ही गॉन टू पटना, शॉर्ट में आप एंड एपोस्ट्रोफिक टी कर देंगे तो आप इसको बना सकते हो, ठीक है, इस तरह से बना लेते हैं। लेकिन इसमें एक और बात हम WH क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, WH क्वेश्चन हटा दे दिए सबको, है ना, मिटाने का या पहचानने का नियम तो खैर याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, इसको हटा देते हैं।
देखते हैं कुछ और सेंटेंस कैसे बनता है इसमें। डब्ल्यू एच क्वेश्चन पहले बताएंगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन मिटा दे इसको, वेरी गुड, थोड़ा साफ कर लेते हैं, देख लो यहां पे डब्ल्यू एच में क्वेश्चन करेगा, उसको बनाना है व्हाट व्हाई व्हेन वेयर ये सब लगता है तो उसको डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहते हैं। अगर यहां पे कहते हैं क्या या वह क्या खा चुका था, लो वह क्या वह खा चुका था, सॉरी वह खा चुका था, क्या अभी यहां पे वह खा चुका था, बहुत सीधा संदेश है, लेकिन आप पूछ रहे हैं वह क्या खा चुका था, कोई ऑब्जेक्ट का नाम पूछा जा रहा है, वह क्या खा चुका था, वह कहां गई थी, कहां गई थी या कहां जा चुकी थी, कहां पहुंच चुकी थी, है ना। वे लोग क्या कर लिए थे, कर चुके थे, ऐसा कर देते हैं ना, कर चुके थे। चलो अब इस सब में फाइंड आउट करना चाह रहा है ऑब्जेक्ट के बारे में, कुछ जानना चाह रहा है। इंट्रोगेटिव में क्या था, सिर्फ यस और नो में क्वेश्चन था, इसीलिए हैड को बाहर कर दिए थे, लेकिन यहां पे हैड बाहर नहीं होने जा रहा, सिर्फ इसके साथ डब्ल्यू एच का वर्ड भी होगा। देखो कैसे, पहले था क्या, ये वह क्या खा चुका था, तो पहले क्या का क्या करेंगे यहाँ पे व्हाट, उसके बाद ये एक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है हैड, हैड का यूज करेंगे, तब लगाएंगे सब्जेक्ट ही, तब लगाएंगे ही व्हाट हैड ही ईटन, है ना, क्वेश्चन मार्क। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया भाई, व्हाट या फिर ऐसा करो डब्ल्यू एच प्लस Had plus subject plus V3 plus object, ये रहा इसका स्ट्रक्चर, आसान सा हो गया। तो what had he eaten, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो जानने का कोशिश किया जा रहा है। नेक्स्ट, वह कहां गई थी, वह कहां गई थी का क्या होगा, पहले कहां गई थी, कहां का वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर, Where had गई थी, लेडीज है सी, where had she गाजाना का गौन जी ओ है ना, where had she gone, वे लोग क्या कर चुके थे, क्या कर चुके थे, क्या 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 का मतलब what, है ना, what had they, what had they करना काम है ना, done, what had they done, वो लोग क्या कर चुके थे, कितना आसान हो गया, है ना, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। सब्सक्राइब करो भाई, है ना, लाइक करो, है ना, शेयर करो, सबको बताओ, सबको समझाओ। आगे और देखो, इसमें कंडीशन और है, पास्ट परफेक्ट में ही डब्ल्यूएच तक देख लिए, इसमें एक और सेंटेंस बनता है, जैसे अगर कहें मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, मेरे क्वेश्चन देखो कैसा बनता है ना, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले है ना घंटी बज चुकी थी, है ना, मेरे घर पहुंचने से पहले वह जा चुका था, वह जा चुका था, किस तरह का रहेगा, पुलिस के आने के पहले, आने से पहले चोर भाग चुका था। लो इस तरह का सेंटेंस में क्या देखें, दो काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है, दो काम हो रहा है, इस सब में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा हुआ है। काम क्या है, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, एक तो काम हो रहा है घंटी का बजना, दूसरा काम है स्कूल का पहुंचना, दो काम, स्कूल का पहुंचना और घंटी का बजना, है ना, दो काम होगा, दो सेंटेंस बनेगा।
तो इसमें क्या होगा, बज चुकी थी घंटी, बज चुकी थी, ये तो सिंपल हमने क्या देख लिया भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस है यहां पे, इसके लिए क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट, और इससे पहले वाले के लिए सिंपल पास्ट रहेगा। कैसे समझेगा भाई किसमें कौन लगेगा, एक बात और बता दे, काम जो पूरा हो चुका है, घंटी बज चुकी थी इसके बारे में जानते हैं है ना, तो काम पूरा हो चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुके थे, चुके थे, इसी में नहीं लगा हुआ है, इसमें सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। दो सिंपल पास्ट भी हमने पिछले वीडियो में बताया था है ना, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है उसमें है ना, तो यहां पर देखते कैसे क्या करेंगे। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो पहले इसको बना दो है ना, द बेल हैड रिंग का रिंग रंग है ना, बेल हैड रंग पहले है ना, बिफोर बिफोर क्या, आई रीच टू स्कूल है ना, आई रीच टू स्कूल, देखो कितना आसान हो गया, आई द बेल हैड रंग, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी थ्री, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी थ्री हो गया पहले के लिए बिफोर, अच्छा सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस अदर ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये इतना में हमने यूज किया पास्ट परफेक्ट टेंस को, इसके लिए यूज किया सिंपल पास्ट को है ना, जिसको हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस भी बोलते हैं है ना, देखो दो तरह का संदेश याद रखना। सिमिलरली अगला, मेरे घर पहुंचने से पहले वह जा चुका था है ना, तो काम क्या हुआ उसका जाना, He had, वह जा चुका था, क्या हुआ, He had gone, अब किसके पहले, पहले बिफोर, कहां पे, मेरे घर पहुंचने से, बिफोर आई रीच्ड होम, यहां पे टू नहीं लगता है, होम के पहले टू नहीं लगाएंगे, होम एडजेक्टिव का यूज होता है होम में, इसे टू नहीं लगाते हैं एडजेक्टिव, ठीक है, तो He had gone, वह जा चुका था बिफोर आई रीच्ड, सॉरी आई रीच्ड बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पहले वो जा चुका था, दो सेंटेंस बनता है, समझ में आ रहा है, आसान है। स्टूडेंट्स तीसरा आपको बनाना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में भेजना है, बना के भेजना है, और दिक्कत होगा तो पूछना है, तो यहां पे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो पहले बनाया क्या, चोर भाग चुका था, कब बना लेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस पे, फिर पुलिस का आना बना लेंगे सिंपल पास्ट पे, याद है इसमें पहले दिया हुआ है, कहीं कहीं बाद भी दिया जा सकता है ना, उसके जाने के बाद मैं घर पहुंचा है ना, उसके जाने के बाद मैं घर पहुंचा, ये भी यहीं पे होगा, या मैं घर पहुंचा था, ये भी सेंटेंस इसी तरह से बनेगा है ना, तो आफ्टर वहां पे कर देंगे बिफोर के जगह पे, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरह से सबको बनाना है, और इसमें भी आप और आगे सेंटेंस बना के अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप किसी बुक का यूज कर सकते हैं, क्लासेशन बुक का, प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में लिखिए है ना, आप वहां से कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे, लेकिन सही से सीखना है, पूरा जानकारी लेना है, तो लाइक सब्सक्राइब करो भाई, और हर वीडियो का आनंद उठाओ, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।